21 दिसंबर 1964 को एक तूफान श्रीलंका की ओर बढ़ रहा था, जिसकी चेतावनी 15 दिसंबर को ही मौसम विभाग ने भारत को दे दी थी। लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं थी कि 45 किलोमीटर रफ्तार वाली ये हवा आगे जाकर विशालकाय तूफान में बदल जाएगी। 22 दिसंबर 1964 को जब ये तूफान श्रीलंका के तट पर पहुंचा, तब इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और जैसे ये तूफान भारतीय समुद्र तट धनुषकोडी की ओर बढ़ने लगा, तब इसकी रफ्तार 280 किलोमीटर तक पहुंच गई। उसी रात करीब 9 बजे ये तूफान धनुषकोडी के तट पर पहुंचा। पंबन धनुषकोडी मीटर गेज पैसेंजर ट्रेन जो रोजाना धनुषकोडी की ओर जाती थी, वो अपने समय पर निकल चुकी थी। रात करीब 11:55 पर जब ये ट्रेन धनुषकोडी से ठीक पहले तक पहुंची, तब लोको पायलट को सिग्नल ना मिलने के कारण लोको पायलट ने ट्रेन को वहीं रोक दिया। बहुत देर तक सिग्नल ना मिल पाने की वजह से लोको पायलट ने रिस्क लेने की सोची और ट्रेन को सिग्नल के बिना ही आगे चला दिया। तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि लहरें 25 फीट से भी ज्यादा ऊंची उठ रही थी। तभी एक बड़ी लहर आई और अपने साथ ट्रेन को बहा ले गई। ट्रेन में 6 डिब्बे थे। आंकड़ों की माने तो ट्रेन में स्टाफ को मिलाकर 150 यात्री सवार थे।